नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बठिंडा सीट पर क्या तीसरी बार प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधु व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल क्या सांसद बनने जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने बठिंडा में एग्जिट पोल किया, जिसमें ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि तीसरी बार भी हरसिमरत कौर बादल सांसद बनने जा रही हैं तथा इस बार वह पिछली बार से कहीं अधिक मतों से जीत दर्ज करने वाली हैं। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल मोदी लहर के बावजूद 2014 में अपने रिश्ते के देवर मनप्रीत सिंह बादल से केवल 19,395 मतों से जीती थी। हरसिमरत कौर बादल को 5,14,727 व मनप्रीत सिंह बादल को 4,95,330 मत मिले थे। आपको बता दें कि इस बार हरसिमरत कौर को हराने के लिए यहां कांग्रेस ने अपने तेज तरार व युवा नेता अमरिंदर सिंह राजा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अलग हुए सुखपाल सिंह खैरा को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि उनका निशाना बादल परिवार था, उधर आम आदमी पार्टी ने अपनी विधायक को चुनाव मैदान में उतारा, मगर मुख्य मुकाबला हरसिमरत कौर बादल व राजा वडिंग के बीच में होने जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बठिंडा से न केवल प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए उतारा, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कई रैलियों में प्रधानमंत्री को खूब कोसा व यहां पर कई रैलियां की। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां एक बड़ी रैली की थी, जिससे ऐसा लगता है कि हरसिमरत कौर बादल बचने में सफल दिखाई दे रही हैं। और यही नहीं, वह पहले से बड़ी जीत हासिल करने वाली हैं। वहीं आम आदमी पार्टी व आम आदमी पार्टी से अलग हुए सुखपाल सिंह खैरा तीसरे चौथे स्थान पर रह सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब की यह हॉट सीट बादल परिवार जीतने जा रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट।